आपको इसे ऑटोक्लेव करना पड़ेगा। ऑटोक्लेव है ये सर, ये अभी आपने देखी हो, ऑन तो कर देना, ये तभी एक्टिवेट हो जाता है थोड़ा सा, तो वो ना कोई बात नहीं, कर लेते हैं ये ना। ठीक है, कैनो ना सलाइन भी ऑन तो करो थोड़ा सा, पूरे यहाँ पे इसको अगर वेट वेट डालो हाँ, पानी में डाल इसका जो ये वेस्ट मटेरियल है वो इधर आ जाएगा, ये वेस्ट मटेरियल और ये टू अरे कुछ मेडिसिन सिस्टम लगे ठीक है जी। ये अगर मैंने ये आप जैसे कि ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ड्यूरिंग ऑपरेशन आप इसको ऐसे कर सकते हो ऐसे ही। तो ये अभी ये ट्यूबिंग आपने देख ली, ये हो गया, सलाइन एक बार ऐड करते हैं ना, सलाइन ऐड करते हैं, सलाइन ऐड करेंगे ना, पहले बंद करके इसी से काटवा दो, एक और एक वो निकाल दो सर, ठीक बीच में होगी हाँ, इसमें एक स्लीवर टिप निकाल दो, सिक्स पिस्टल है पावर ओके, वो वाली है कोबरा टेक, कोबरा टेक आप जैसे अगर आप चॉप करते हो टिपिस ना सामने से, अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे वो का वो जो ये वापस आप देखोगे इसमें रखें ना, वहाँ पर भी जो है रेंच सही से लगा, वरना जो है ना वो भी स्लिप हो, वो जो है ना स्लिप हो जाए, नहीं हो गया ऑपरेशन कर। बेसिकली वो सारे ब्रीडिंग स्टेप करता है, तो ये था टाइमिंग का, टाइमिंग का पूरी पूरी पे आ रहा है, पूरा सारा चला देता है, आई सिस्टम बेसिकली चेक करता है, सिर्फ प्री ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन प्री ऑपरेशन वहाँ के पूरा सिस्टम रेडी। अभी आप आपने अभी एक बात फाइन कर दिया, अभी आप टेस्ट फेको करना चाहते हो तो टेस्ट दबा के आपने फिर फेको चालू, अभी फिर से उसके बाद टेस्ट करके, टेस्ट करके फेको वन करके किसी में होगा, अभी आप पावर इसमें पावर सिस्टम जैसे ये है ना, ये आप आपने प्लस माइनस हो गया, आपने ऊपर कर दिया पावर हो गया ना, हाँ पावर हो गया, ये आपका हो गया आपका जो स्पीड पंप का सिस्टम, इरिगेशन एस्पिरेशन वाला इरिगेशन, हाँ ये हो गया आपका वैक्यूम, वैक्यूम इसका 600 तक 600 तक जाता है, लेकिन नॉर्मली डॉक्टर यूज़ नहीं करते हैं वहाँ तक, विट्रेक्टोमी पे यूज़ करते हैं ना, हाँ विट्रेक्टोमी पे यूज़ करते हैं, तो ये 600 एमएम पे चला जाएगा, ये आपका है फ्लो रेट 20-25 जो कि आपने बढ़ाना है लगाना है, इसका चॉइस ये माइनस हो गया, ये आपका फेको पावर है, अभी आप कुछ पैटर्न लगा के चेक कीजिए, अब नहीं नहीं चैम्बर में लगा के पता कैसे ये अभी आप कुछ तो दोरे इरीगेशन ऑन कर दो, हाँ
अभी देखो आ रहा है स्टोर पे हो गया फेको मोड में ये अभी इरिगेशन डाल रहा हूं इरिगेशन में एक मिनट रुक जाओ अब हुआ इरिगेशन अब आप फेको क्योंकि ये जो भी करना है थोड़ा सा फीड पैडल का भी आवाज ही पता चलेगा कि कितना ये बैक है अब फेको वैक्यूम कर बिल तो वैक्यूम तो इसकी पाँच ही होगा क्योंकि काफ़ी अगर आपने देखना छः सौ तक जाता है तो आपने चेक करें दबा आप दबा दो मैं देख लेता हूँ आप दबा दीजिए जा रहा है हाँ सुन रहे हो आपने वो नहीं नहीं वो आप जब आप सही ओपन चैम्बर ये छः सौ भी होगा जब आप ओपन चैम्बर में करते हो तो ये बैग दबा के मिल यूपीएस के अपनी इसको ले जाओ ना इसके साथ वो वहाँ क्रिएट नहीं करने की जगह वैक्यूम चेक का ये एक सिंपल सा तरीका है कि तक आप इसको प्रेस कीजिएगा वैक्यूम क्रिएट इसको छोड़ दीजिएगा तो ये आपका हैंड पेस की पावर आ गया आप उसको उससे भी कर सकते हैं आप हाँ फेको वन ये लेफ्ट साइड मोड मोड चेंज है और राइट साइड पे फेको टू आ गया आप फिर फेको थ्री हाँ फेको थ्री पे कीजिए आइए राइट साइड भी फेको वन फेको टू फेको टू फेको थ्री आइए वन आइए टू ये बैक है एक हाँ जैसे फेको में आप रेस है कि वहाँ से लेफ्ट से किया आपने तो वो चेंज किया आपको इसने राइट पे फिर जाओगे तो फे